हेलो गाइस, दिस इज़ धनश्री, बायोमेडिकल इंजीनियर फ्रॉम एपिक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स. एंड आवर टुडेज ट्रेनिंग टॉपिक इज न्यूरो माइक्रोस्कोप. ऑल्सो वी आर यूजिंग इट फॉर ENT सर्जरीज. सो विल स्टार्ट. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास जो मशीन है इट्स फ्रॉम कार्ल्स है एंड द मॉडल इज ऑपमी पीको. सो अभी जो हमारा मशीन है वो प्रॉपरली पार्किंग पोजीशन में है, तो इसको अनपार्क करने के लिए आपको कहाँ से कैसे नॉब से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, तो ये जो है आपका नॉब जब लॉक पोजीशन में रहेगा तो आपका ये जो मूवमेंट है यहाँ से जो मेन मूवमेंट है वो नहीं होगा. तो ठीक है, यहाँ से फर्स्टली हम इसको अनलॉक कर देंगे. तो यहाँ से अनलॉक करने के बाद यू कैन सी यू कैन मूव दिस पोर्शन. ठीक है, तो ये आपका मूवमेंट यहाँ से चालू हो गया है. तो जो आपको पोजीशन चाहिए वहाँ पे इसको रख के फिर आपको अनलॉक कर देना है. फिर मेन आपका जो रॉड है वहाँ से पोजीशन करने के बाद आप देखोगे ये आपका मूवमेंट, ये जो रॉड है इसका मूवमेंट आपका लेफ्ट एंड राइट चालू हो गया. फिर इसको हम जैसे ही फ्री करेंगे यू कैन मूव दिस एंगल ऑल्सो. ठीक है, ये आपका पॉकिंग पोजिशन था, इसको आप यहाँ से इस नॉब से फ्री करके मूव कर सकते हो. तो मैंने ये पोजीशन ले लिया और इसको वापस से लॉक कर दिया. ठीक है, तो अभी मेरा जो माइक्रोस्कोप है वो मेन फ्लोर से बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो दिस वोंट बी अ कंफर्टेबल हाइट फॉर अ सर्जन टू डू द न्यूरो सर्जरी और इवन ENT सर्जरी. तो हमें इसका जो हाइट है वो थोड़ा लो करना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे ये देखोगे ये जो नॉब है इसको ऑपरेट करने के बाद आप इसको लो डाउन कर सकते हो. दिख रहा है आपको, यहाँ से आप ऑपरेट इसको कर सकते हो. ठीक है, तो ये नॉब जो है आपका यहाँ से अप डाउन मूवमेंट हो रहा है. अभी ये जो मेन माइक्रोस्कोपिक यूनिट है इसको मूवमेंट करने के लिए हमारे पास कौन से नॉब्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. ठीक है, तो ये नॉब जो था हमारा, एक बार हमने यहाँ से जो है ऑपरेट करके जितना डॉक्टर को हाइट चाहिए उतना पोजीशन में हमने माइक्रोस्कोप को ले लिया. फिर यहाँ पे जो नॉब है उससे हम ये जो पोजीशन है, ये जो मूवमेंट है कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन, ये हम यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से फिर आप ये मूवमेंट के बाद आप आगे देखोगे तो यहाँ पे मूवमेंट है, इसको जैसे ही मैं अनलॉक कर दूंगी तो यू कैन मूव दिस फ्रॉम दिस एंड, यहाँ पे आपका मूवमेंट फ्री हो जाएगा. ठीक है, तो ये नॉब से हमने ये जो मोमेंट है उसको एक बार फ्री कर लिया. ठीक है, ये मोमेंट जो है आपका फ्री हो गया. उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे है आपका नेक्स्ट नॉब, इसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो आपका ये जो पोर्शन है ये फ्री हो जाता है. तो दीज ऑल दी नॉब्स, जब भी आप इसको अप डाउन के लिए ऑपरेट करो या फिर कोई भी फंक्शन करोगे यहाँ पे आपने रिलीज कर दिया एक बार, तो आपको जो पोजीशन में चाहिए वहां तक मूव करने के लिए दो ज्यादा हैंडल्स, आपको जो भी मूवमेंट करना है आप ये हैंडल से करते हो. ठीक है, मैंने मेन से यहाँ पे ऑन कर दिया है. सेकेंड ऑन ऑफ स्विच आप देखोगे तो इसके मेन जो पैनल है वहां पे है, तो यहाँ से भी ऑन हो गया. ठीक है, तो हम देखेंगे अभी हमारे मेन स्कोपिक यूनिट पे आप अभी भी देखोगे कि यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है. तो उसका जो मेन स्विच है वो आप देखोगे ये एंगल पे आप देखोगे तो यहाँ पे जनरली जो न्यू यूजर्स रहते हैं उनको कंफ्यूजन होता है कि वहां से मैंने ऑन कर दिया बट इल्यूमिनेशन अभी तक नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से आपका इंटेंसिटी जो है वो लो करके रखा है, तो आपका यहाँ पे ऑन हो चुका है. तो जैसे ही आपने इंटेंसिटी फुली इंक्रीज कर दिया है तो आप देखोगे कि यहाँ से जो है ये जो यहाँ पे नॉब है यहाँ से आप इसका लाइट का जो कलर है वो एडजस्ट कर सकते हो. येलो, वाइट एंड ग्रीन, ये तीन ऑप्शन है. जनरली जो डॉक्टर है वो वाइट लाइट प्रेफर करते हैं. ठीक है, ये हमारा जो है लेंस का एरिया है. तो हम जब अपना लेंस का एरिया देखेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर के आई साइज के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए ये आप देखोगे यहाँ से मैं रोटेट कर रही हूँ वैसे ही आपका आई साइज जो है वो एडजस्ट हो रहा है. ठीक है, जैसे ही आप डॉक्टर यहाँ से देखेंगे उनको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो वो यहाँ पे नॉब दिए गए तो यहाँ से वो जूम इन जूम आउट जो भी करना है वो
खुद के कंफर्ट के हिसाब से और व्यू के हिसाब से, क्लैरिटी के हिसाब से कर सकते हैं। वंस दे हैव डन विद द जूम इन, उसके बाद एक फोकसिंग करना होता है, तो फोकसिंग के लिए वो यहाँ से जो है रोटेट करके दोनों आई सेट में फोकसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोल दिया कि कैसे आपको पोजीशन देना है, हाइट एडजस्ट कैसे करना है, मूवमेंट्स कैसे करना है, लॉकिंग अनलॉकिंग कहाँ से करना है, मेंस ऑन कहाँ से करना है, लाइट का इंटेंसिटी कहाँ से एडजस्ट करना है, फोकसिंग कैसे करना है, जूमिंग कैसे करना है, और फाइनली दिस मशीन इज कम्प्लीटली रेडी टू यूज। एक बार आपका सर्जरी कंप्लीट हो जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज हो जाता है, उसके बाद आपको सेम रिवर्स प्रोसेस करनी है, सब पोजीशन करके ये जो है मेन आपका इंटेंसिटी कंप्लीटली ऑफ करके ही फिर मेंस को ऑफ करना है। कोई भी प्रोडक्ट्स लाइट रिलेटेड जब आप यूज करते हो जिसमें इंटेंसिटी एडजस्टमेंट का ऑप्शन रहता है, तो मेक श्योर कि आप उसका इंटेंसिटी लो करें, उसके बाद ही उसको ऑफ करें। ठीक है, सो वंस यू हैव डन विद द यूज, तो आपको इसको प्रॉपरली पार्किंग पोजिशन करके फिर रख देना है। दिस इज द आइडल पार्किंग पोजिशन। सारे जो आपके अनलॉक किए हुए जॉइंट्स है उसको लॉक कर देना है प्रॉपर पार्किंग पोजिशन पे, मशीन को मेन से ऑफ कर देना है और इसको प्रॉपरली कवर करके रख देना है। थैंक यू सो मच।